वहीं छिंदवाड़ा कोरोना काल जैसी आपदा की घड़ी में भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर जारी है, जिससे छिंदवाड़ा की सियासत का पारा उफान पर है। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, हर कोई कोरोना के बहाने एक दूसरे पर आरोप लगाने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आज भाजपा जिला अध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता में कोरोना के बहाने पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसते हुए जमकर आरोप लगाया। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम पर आरोप लगाया कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो पूर्व सीएम कमलनाथ मुश्किल से छिंदवाड़ा में सिर्फ 6 घंटे ही रुके हैं। वे विपदा की इस घड़ी में छिंदवाड़ा से भाग रहे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि कोरोना काल में छिंदवाड़ा आना इसलिए मजबूरी बन गई है क्योंकि पिछले साल जब कोरोना की लहर आई थी तो जनता ने उन लापता होने के पोस्टर लगा दिए थे, जिसके कारण मजबूरी में उन्हें छिंदवाड़ा आना पड़ रहा है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि कोरोना काल में छिंदवाड़ा को जो ऑक्सीजन टेंडर प्राप्त हो रहे हैं वे प्रदेश सरकार की ओर से भेजे जा रहे हैं। पूर्व सीएम ने जिले में एक ग्राम ऑक्सीजन भी नहीं भेजी है, वे झूठ बोल रहे हैं। वहीं विवेक साहू ने भाजपा सरकार के द्वारा ऑक्सीजन की व्यवस्था, रेमडेसिविर इंजेक्शन और छिंदवाड़ा में चालू किए गए ऑक्सीजन प्लांट को लेकर सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। कोरोना की जो दूसरी लहर हमारे देश में आई और सबसे पहला मध्य प्रदेश में अगर संक्रमण का कोई मिला था तो छिंदवाड़ा में बहुत बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा में मरीज आए, लेकिन हमारे प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की नेतृत्व में हमारे जिला प्रशासन ने कड़ी मेहनत करी और इस मेहनत के परिणाम यह है कि आज सबसे पहले इस कोरोना की लड़ाई से हमारा छिंदवाड़ा जीतने जा रहा है। और प्रतिदिन शासन प्रशासन हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी और हमारे प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया जी प्रतिदिन मॉनिटरिंग कर रहे थे, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, चाहे दवाइयाँ हो, ये सारी चीजें उपलब्ध करवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी लगे रहे। इस महामारी में जब छिंदवाड़े में हम कहें उस समय सीख में सब कांग्रेस के साथों भी साथ उठाए हैं और सांसद इससे जुड़ रहे हैं। पिछले एक साल से आपदा प्रबंधन समिति में ना एक बार इनके विधायक आए ना सांसद आए, जबकि सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनसे होती है। पूरे एक साल में उन्होंने कोई तैयारी नहीं करी, कुछ नहीं करा, ना कहीं कहीं सहयोग किया, लेकिन हमारे लोगों को डराना, भ्रम पैदा करना और प्रशासन को और मध्य प्रदेश की सरकार को कोसने का काम है। पिछले दिनों कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी ने रानीकोटी में एक हॉस्पिटल खोला और लगातार पहले दिन से वहां पर जांच को लेकर के लोगों के मन में संशय बना हुआ है। अभी 3 दिन पहले एक बुजुर्ग वहां धरने में बैठ गए, उनके बुजुर्ग के अनुसार कहना था कि लेब संचालक के साथ मिलकर के रिपोर्ट जो जांच होती थी फर्जी जांच करके मरीजों को ज्यादा लंबे दिन रखा जाता था और ओवरडोज किया जाता था, इसका प्रमाण उसने दिखाया। और वहां पर कुछ ऐसी मृत्यु हुई है जो सामान्य नहीं थी, बहुत सारी मृत्युएं सामान्य। मैंने आरोप लगाया कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने हॉस्पिटल खोला है तो वहां पर जितनी मौतें हुई हैं सारी संदिग्ध मौतें और उसकी जिम्मेदारी, उस मौत के जिम्मेदार कमलनाथ जी। कल कांग्रेस के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई कि उस अस्पताल से उनका कोई लेने देना नहीं। मैंने आज आप पत्रकार साथियों के सामने ये सारे पेपर, छिंदवाड़े का बड़ा से बड़ा अखबार और छिंदवाड़े का छोटा से छोटा अखबार, सारे चैनलों ने यह खबरें दिखाई। कांग्रेस कार्यकर्ता सोशल मीडिया में कि ये अपनी विधि से खुलवा रहे हैं, मध्य देश के एकमात्र सांसद हैं जो कोविड हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, ये सब ये मेरे हर अखबार ने तो ये कांग्रेस ने विज्ञप्ति जारी कर भी करवाया था। तो कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी और कांग्रेस की छिंदवाड़े की झूठी संस्कृति रही है। चाहे 1983 से आप देखो फेस थर्मल पावर को लेकर के झूठ बोला, छिंदवाड़े के लोगों को, युवाओं को रोजगार को लेकर के बात करी, छिंदवाड़े के एक युवा को रोजगार नहीं दिया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुलवाने के वायदे किए, कभी कुछ हुआ नहीं। इन्होंने तो सरकार भी बना ली झूठ के आधार पर, किसानों को कर्जा माफी और युवाओं को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते के नाम, लेकिन झूठ के अलावा ये कुछ बोलते नहीं। सेवा में सबसे पीछे, सेवा के नाम पे कुछ नहीं किया,
और मैं आरोप लगाता हूं कि सिर्फ वहां रानी कोठी नहीं, छिंदवाड़े में जितनी भी मौतें हुई हैं उसके लिए जिम्मेदार पूरे कांग्रेस के विधायक सांसद हैं, क्योंकि पिछले एक साल में इन्होंने कुछ काम नहीं किया। आज जो छिंदवाड़े में स्थिति संभली है वो हमारे मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा की संभली है।